हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी दिवाली। तो ये ब्लॉग है, छोटी दिवाली के दिन हम लोग गए थे सेक्टर 4 बच्चों के लिए पटाखे वगैरह लेने और घर के सजावटी के लिए कुछ सामान लेने। तो यहाँ बच्चे, हम तो सामान ले लिए थे सजावटी के लिए, यहाँ बच्चे पटाखे वगैरह ले रहे थे। तो उनको चॉइस उनका इतना हैवी हैवी पटाखे ले रहे थे, मैं तो मना कर रही थी कि इतना हैवी पटाखे मत लो, जो छोटे छोटे लो जो बच्चे फोड़ सके। पर हर्षित तो मान ही नहीं रहा था, बोला कि नहीं मुझे बम लेना है, मुझे ये वाला लरी वाला पटाखा लेना है, मुझे ये पटाखा लेना है। मैं तो वहाँ से हट गई, साइड हो गई। मैं बोली जो लेना है ले लो, क्योंकि मैं मना करूँगी फिर भी इनके पापा जो हैं दिलाएंगे। तो उसके बाद फिर है बड़ी दिवाली के दिन, उसके बाद हमें टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग शूट करने के लिए। फिर ये बड़ी दिवाली के दिन भी सुबह से टाइम ही नहीं मिला, और ये है शाम के 6 बजे हमें थोड़ा सा टाइम मिला, क्योंकि बच्चे छोटू था मेरे साथ ही, हर्षित जो था चला गया था पापा के साथ, गाड़ी वो धोने के लिए दिए थे तो लेने के लिए, और कुछ चुटपुट सामान रह गया था दिवाली के पूजा का तो वो लेने गए थे। तो मैं सोची, बैठी थी मैं, खाली थी, मेरे पास टाइम था, तो मैं सोची चलो ब्लॉग ही शुरू कर देती हूँ। और छोटू से बोली भी तो सुना ही नहीं, वो अपने मस्त था, पढ़ा के छूट रहे थे बाहर, तो देखने में मस्त था। और हम भी छोटे थे तो हम भी दिवाली के दिन किसी का नहीं सुनते थे, हम भी बहुत खुश रहते थे, घूमते रहते थे ऐसे। तो बच्चे भी हैं तो ऐसे, मेरे तरह मेरे बच्चे भी दिवाली पे बहुत खुश रहते हैं, पटाखे कोई छोड़ रहा है। इस साल तो छोटू भी नहीं डर रहा है, बोल रहा है कि मैं तो बजाऊंगा पटाखे, मैं तो छोड़ूंगा पटाखे, मैं तो ये करूंगा। और पिछले साल तो बिल्कुल बाहर निकल ही नहीं रहा था, पर इस बार काफ़ी इंजॉय कर रहा है। अब बड़ा भी हो गया है, देखो स्टाइल मारता रहता। उसके बाद गाड़ी वगैरह लेके आ गए थे, नहाए, उसके बाद पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद मैं भी रंगोली बनाने के लिए इतना सारा कलर लेके आई थी, पर मैं बनाई ही नहीं, तो मैं सोची चलो शुभ कर देती हूँ। तो यहाँ मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, बस छोटा सा स्वास्तिक बना के और चारों तरफ फूल माला है फूल का, तो उसे लगा दूँगी और बीच में फिर दिए वगैरह रख दूँगी तो सही रहेगा। और यहाँ पति देव अपना पूजा शुरू कर दिए हैं, जब तक मैं ये सब कर रही थी तब तक पूजा शुरू कर दिए, और इनके नहा रहे थे जब तक, तो मैं सारी तैयारी कर दी थी, सारी दिया वगैरह मैं धो के, उसमें तेल भी नहीं डाली थी, बत्ती वगैरह लगा के रख दी थी ताकि तेल डाल के जला के रख देती हूँ। तो चलिए पूजा करके मिलती हूँ आप लोगों से, बने रहिए ब्लॉग में। हमारे पड़ोसी पूजा कर लिए थे, पर हम लोग बहुत लेट पूजा किए, क्योंकि गाड़ी धोने के लिए दिए थे, गए लेने तो काफ़ी लेट हो गए, और सुबह ही दे देते गाड़ी तो जल्दी मिल जाती, 12:30 बजे तक मिल जाती। पिछली बार सुबह ही दे दिए थे तो 12:30 12 के बीच में लेके आ गए थे, पर इस बार 1 बजे तो ले ही गए धोने के लिए देने के लिए। और काफ़ी दिवाली टाइम है तो काफ़ी भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी धोने के लिए गाड़ियों की,
तो शाम को ये 5 बजे 5:30 5 के बीच में गए थे और 6:30 बजे लेके आए। उसके बाद जल्दी जल्दी नहाए, पूजा किए तैयार होके। उसके बाद हम लोग पूजा करने के बाद आ गए नीचे अपने बाइक और कार की पूजा करने। तो यहाँ हमारे पतिदेव अपने बाइक की पूजा कर रहे हैं और इस बार बेचारी बाइक को धोने के लिए भूल गए। और हर्षित भी था, मैं बोली भी नहीं हर्षित से, भूल गई नहीं तो वो धो देता, पर कोई बात नहीं, पोछ दिए थे अच्छे से। तो यहाँ सबसे पहले बाइक की पूजा करेंगे क्योंकि इनके लाइफ की पहली बाइक है, इनके पैसे की सबसे पहली बाइक है, तो सबसे पहला तो पूजा बनता है बाइक की। तो यहाँ बाइक की पूजा कर रहे हैं और इनका कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मैं गिफ्ट करी हूँ इनकी इनके लिए कुर्ता और पैजामा, और ये मेरी पसंद है। पहले तो ये मना कर रहे थे लेने के लिए कि मैं नहीं लूँगा, उसके बाद जब ट्राई रूम में गए पहने इन्हें बहुत अच्छा लगा, बोले कि हाँ जो खुद पसंद किए थे वो नहीं लिए, मेरा पसंद किया हुआ कुर्ता लिए। और मैं काफ़ी दिन से इनके लिए बोल रही थी कि ये वाला कुर्ता ले लो, इस टाइम ये वाला कुर्ता बहुत चल रहा है, तो बोले कि नहीं मैं ये वाला नहीं लूँगा। पर मैं सोच के गई थी सदर बाज़ार कि मैं लूँगी तो ऐसे ही कुर्ता इनके लिए लूँगी, तो मैं जाते ही सबसे पहले यही वाला कुर्ता मुझे दिखा तो मैं यही कुर्ता निकलवाई। पर ये सिंपल निकलवाए थे, जब ट्राई रूम में पहने तो बोले हाँ ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो फिर यही ले आए। और इनके कुर्ते का ये कलर और गाड़ी का कलर बिल्कुल मैच कर रहा था, थोड़ा वो था इनका बिल्कुल ब्लू था और ये थोड़ा दूसरा ब्लू है गाड़ी का कलर, तो वैसे मैच ही कर रहा है। लाइट इनका कुर्ता भी मार रहा है और आज मेरी गाड़ी जो है कार धुली हुई है तो वो भी लाइट मार रही थी, दोनों गाड़ी के मालिक गाड़ी भी लाइट मार रहे हैं। तो यहाँ पहले बाहर पूजा किए, उसके बाद अंदर भी गणेश लक्ष्मी और शंकर जी वैष्णो माता की तस्वीर थी तो अंदर भी पूजा किए। तो यहाँ पूजा किए और डर भी रहे थे, बहुत ज़्यादा पटाखे छोड़ रहे थे हमारे पड़ोसी। उसके बाद हमारे दोनों बच्चे जो सेक्टर 4 से पटाखा लेके आए थे उसे देख रहे थे कि कौन कौन सा है आज छोड़ना है और कौन कौन सा। छोटू बोल रहा है कि रख दो भैया और थोड़ा सा बचा के फाइनल जब इंडिया जीतेगी तो छोड़ेंगे पटाखे। ब्लॉग बहुत लेट हो गया डालने में और रोज मैं डांट खाती थी कि ब्लॉग बनाई हो ब्लॉग डाल नहीं रही हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरी थोड़ा सा अंदर से मुझे तबीयत ठीक नहीं लगती थी। मैं सोचती थी लेके बैठती थी जैसे ब्लॉग डाल दूँ, फिर मेरा मन ही नहीं करता था ब्लॉग डालने के लिए। तो फिर सोची थोड़ा मुझे ठीक लगा तो मैं सोची चलो डाल देती हूँ ब्लॉग, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग क्या क्या किए दिवाली के दिन। और इस बार हम लोग बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती किए क्योंकि छोटू पहले डरता था तो इतना ज़्यादा हम लोग मस्ती नहीं कर पाते थे, पर इस बार बच्चों के साथ ही इस बार दिवाली पे बहुत ज़्यादा मस्ती किए। और ये हम लोग 4 लाए थे उड़ाने के लिए, पर 2 तो बिल्कुल फिस्सी बम हो गए, ये बड़े मुश्किल से उड़ा। और यहाँ हर्षी जलते जलते बच गया, जो बाटल वाला आता है क्या बोलते हैं मुझे उसका पता ही नहीं नाम ही,
पर वो कोई पता नहीं बगल में पड़ोस में कोई छोड़ा कि पीछे के साइड में आके बिल्कुल हर्षित के हाथ के ऊपर गिरा, तो बिल्कुल बच गया। एक एक शुक्र है भगवान का कि वो ऊपर देख रहा था, उसकी आँख के ऊपर नहीं गिरा, उसके हाथ पे गिरा, बहुत बच गया। माता रानी के धन्यवाद कि मेरे बेटे को बचा दी जलने से। और उसके बाद हम लोग नीचे आ गए क्योंकि छत पे रहना बहुत ज़्यादा खतरा था, तो नीचे इस दिवाली तो कांड होते होते बच गया, नहीं तो घर में आग लग जाती है और हमारा बेटा भी जलते जलते बच गया। तो माता रानी का धन्यवाद कि माता रानी दोनों बचा ली, मेरा बेटा भी बचा ली और घर में आग लगने से भी बचा ली। और ये शुक्र मनाओ कि छोटू किसी काम के लिए नीचे आया, अगर छोटू नहीं आता तो पता नहीं क्या होता, ये जल रहा था तो छोटू आया यहाँ, चप्पल मार मार के बुझा के गया ऊपर, बोला मम्मी नीचे तो आग ही पकड़ लिया था पावदान में, पर टेंशन मत लो मैं बुझा दिया चप्पल मार मार के।